नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे उद्योग को लेकर। बिहार विधानसभा में 28 फरवरी को साल 2022-2023 का बजट पेश किया गया। इस बजट में अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर रखा गया है। बता दें कि बजट में जहां शिक्षा स्वास्थ्य के साथ कृषि पर ध्यान दिया गया, तो वहीं पे उद्योग को लेकर भी सरकार की तरफ से नई पहल की गई है। बता दें कि इससे पहले भी बिहार सरकार प्रदेश में इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करती रही। ऐसे में इस साल के बजट में भी उद्योग को लेकर खास ध्यान दिया गया है। बता दें कि इस साल औद्योगिक पार्क बनाने पर सरकार की तरफ से योजना बनाई जा रही है। औद्योगिक पार्क को लेकर बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाने की बात कही जा रही है, तो वहीं पे बेतिया के कुमार बाग में टॉय क्लस्टर के साथ साथ यहां पर टेक्सटाइल पार्क बनाया जाना है। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क और फार्मा एंड सर्जिकल पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ साथ वैशाली के गौरौल में प्लास्टिक पार्क बनाया जाना है। इन सभी पार्कों को लेकर, यानी कि इन पार्क और क्लस्टर को लेकर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले वित्तीय साल में जब इसका आउटपुट देखना को मिलेगा, यानी कि ये तय है कि जब ये ज़मीनी हकीकत जब इसके सामने आएगी, तब जो है लोगों को लगेगा यह जो है पार्क एक तरह से कहें जब पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डेवलप हो जाएगा, जब इसमें काम होने शुरू हो जाएंगे, तब जो है उद्योग बिहार में साफ तौर पे दिखने शुरू हो जाएंगे। इस साल यानी कि वित्तीय साल 2022-2023 में उद्योग को लेकर 1643 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान बनाया गया है। यानी कि एक तरह से कह लें कि बिहार सरकार का यह जो बजट है उद्योग को ध्यान में रख कर बनाया गया है, ताकि बिहार में उद्योग को लेकर जो है हम लगातार आगे बढ़ सकें। बिहार सरकार की तरफ से जारी बजट में यह भी कहा गया है कि बिहार में अब पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सरकार ने अपने बजट में स्कीम मद में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1545 करोड़ रुपये की प्रस्ताव जो है वो प्रस्तावित किया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि मुजफ्फरपुर के साथ साथ कई अलग अलग शहरों में खादी मॉल भी स्थापित किया जाएगा। इसी तरह गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जानी है। इसके लिए 1670 हेक्टेयर जमीन का अर्जन किया जाना है। इन सब के अलावा बिहार सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि वैसे श्रमिक जो बिहार से बाहर काम करते हैं या फिर काम करते थे, जो कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आ गए हैं, उन्हें अब रोजगार के साथ जोड़ने को लेकर कार्य किया जा रहा है। बिहार कई ऐसे श्रमिक हैं जो कि दूसरे राज्यों में श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वे प्रदेश में खुद का रोजगार स्थापित कर दिया है। ऐसे में अब बिहार सरकार इन श्रमिकों के हुनर के हिसाब से काम लेगी। ऐसे में बिहार में रोजगार को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही साथ अब देखना है कि बिहार सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगे क्या कुछ करती है, और जिस तरह के प्लान इस साल के वित्तीय वर्ष में बनाए गए हैं वह ज़मीनी हकीकत पे कितना उतरती है और बिहार के लोगों को किस तरह के रोज़गार मुहैया कराती है। लगातार मीडिया में खबरें चलती हैं कि बिहार की बिजली व्यवस्था जो है वो ठीक हुई है, सड़कें अब कमोबेश ठीक हुई है, तो ऐसे में उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं। इस वित्तीय साल में बिहार सरकार ने उद्योग को ध्यान में रखते हुए कई अहम योजनाओं पर काम करना शुरू किया है, जिसमें कि कई पार्क और कई क्लस्टर बनाने की बात कही गई है। तो आने वाले दिनों में बिहार उद्योग को लेकर आगे जरूर कुछ करेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।